प्रभु की। ये खेंचू लो भाई, ये खेंचू पकड़ो। बस बेटा ऐसे तोड़ो प्यार से, देखो कि अगर प्यार से करो ना काम, हर चीज काम होता है। देखिए ऐसे तोड़ने पड़ते हैं दोस्तों, ये देखिए है, ये देखिए, हे है लच्छी राम, देखो गोरखे है मैं। अब ये देखिए, ये दाई ऐसे रख रही है ना, तो कोई ना कोई दाना अगर इसमें आ गया गलती, सब कुछ नहीं होता। धन दौलत से बड़ा है स्वस्थ। इतने भी नेपाली भाई है, सबको सलाम दाई लोगों को। बस थोड़ी रहेगी, दो चार पेटी रहेगी। जय हो, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, एंड यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट। तो दोस्तों आज मैंने सेब तोड़ना है, लेकिन मौसम बहुत खतरनाक है, बारिश हो रही है और प्रेडिक्शन है कि येलो अलर्ट है, बहुत तेज बारिश होनी है। तो चलो क्या करना, बंदे तो आने हैं, अब सेब तो तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 7-8 दिन हो रहे स्प्रे करके, शायद झड़ ना जाए। तो ये सेब महादेव के नाम, जय हो। ये एक जस्ट रिचुअल्स होते हैं, संस्कार। जय हो प्रभु की, जयकार भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों ये हमारे इष्ट के प्रति एक रिस्पेक्ट, प्यार होता है अपने इष्ट के प्रति। जब हम सेब तोड़ते हैं, सबसे पहले दाना हम मंदिर में चढ़ाते हैं। तो वैसे मैंने पहले भी चढ़ाते थे, लेकिन आज दूसरा तोड़ाना, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि अपने महादेव के प्रति रिस्पेक्ट दिखाऊं यार। बाकी कुछ नहीं है, करना तो इन्होंने सब कुछ, यही है मालिक, इन्होंने ही करना है। हम तो कठपुतली है, हम एक कदम चलते हैं एक कदम गिरते हैं, इनकी वजह से। यही संभालने वाले हैं, यही गिराने वाले हैं। ये जिसने समझ लिया ना, उसे रहस्य समझ लिया है कि देने वाला भी यही है और लेने वाला भी यही है। नीचे से भाई बड़ी बड़ी हस्तियां आ गई, इधर से ही आ गए। क्या करे भाई जी, आ जाओ आ जाओ, आ गया, आ जाओ आ जाओ। दोस्तों ये देखिए, मेरे वही पुराने बंदे आ गए हैं, 3 बंदे आए अभी तो फिलहाल, अभी गाड़ी आने वाली है क्रेटों के साथ। तो दोस्तों ये देखिए, ये बैग है और ये खेंचू, लो भाई ये खेंचू पकड़ो और लग जाओ काम में, ठीक है? तो ये क्रेटे आ गई है। दोस्तों मैं गाड़ी पार्क करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्रेटे रखनी होंगी भरी हुई, मैं यहाँ लगाता हूँ गाड़ी। ये देखिए जो जगह है, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, बारिश कभी भी आ सकता है। हर हर महादेव, जयकार भगवाना। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम, महादेव से आशीर्वाद लेने आया हूँ, हर हर महादेव, आप भी दर्शन कर लीजिए। दोस्तों ये देखिए, दाई लग गई है काम में, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये है दोस्तों नेपाल, सेब भरने हो तोड़ने हो बेटा, आराम से तोड़ना है ना, प्लीज है ना, बिल्कुल आराम से तैना। हाँ बढ़िया, बड़ा दाना देखो गिराना नहीं, जैसे साथ साथ उसको डालो और झड़ा हुआ बाद में डालना। साल की कमाई है हमारी भी है, इसके बगैर हमारा भी कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, जॉन इब्राहिम नेपाल का स्मार्टी बॉय, इसने अभी बहुत अच्छा सेब तोड़ा मेरे, अब आगे नहीं पता तोड़ता कि नहीं। और हर हर महादेव, जय शंभू, जय श्री गुरु महादेव, भोलेनाथ कर दे कृपा सब पे, कोई गरीबी में ना मरे। दोस्तों ये देखिए, अंदरूनी फसल बिल्कुल भी कम है, चोटियां तो खाली है, लगता ऐसे कि बहुत ज्यादा फसल है लेकिन उतनी नहीं है। दोस्तों ये देखिए, और ये देखिए साइडों साइडों में सेब लगा, चोटियां खाली है। ये देखिए, इतना तो दिया प्रभु ने, कईयों को तो इतना भी नहीं दिया, ये सोच के खुश हो जाओ कि चलो जितना भी दिया प्रभु ने बहुत अच्छा दिया है। नहीं तो दोस्तों बहुत रो रहे लोग, किसी के 60 पेटी, किसी के 100 पेटी, किसी के 150 पेटी, और मतलब कि जो 1000 पेटी वाला ग्रोवर है वो 300-400 भर रहा है। तो चलो जितना भी दिया यार, संतुष्ट रहना चाहिए यार, बाकी तो मुकद्दर है अपना अपना, जितना मुकद्दर होगा उतना मिलेगा आपको, मुकद्दर से बढ़कर, और वक्त से पहले कभी किसी को नहीं मिला है और ना मिलेगा दोस्तों। और मेहनत पे विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए अपने बगीचे में, भगवान देगा जरूर। माल देखिए आप, है ना गजब का, ये देखिए इससे सुपर माल क्या बताऊं मैं आपको, कितना अच्छा रंग है। प्यार से तोड़ो, प्यार से, हाँ बिल्कुल नीचे नहीं गिरना, आराम से, गप्पे जरूरी नहीं होती इस टाइम, ग्रोवर का भी सोचो। बस बेटा ऐसे तोड़ो प्यार से, देखो कि अगर प्यार से करो ना काम, हर चीज काम होता है, अगर दिमाग हो गप्पों में फिर गलतियां हो जाती है। दोस्तों क्रेटे आई अभी 10 बजे, फाइनली क्रेटे आ गई है, लेकिन बंदे 5 ही आए हैं, क्योंकि सारे इधर उधर चले गए यार, क्योंकि लेबर है ही नहीं है। जो नरेंद्र की आधी लेबर थी वो मेल लेना चली गई है, किसी काम से कुछ कन्फ्यूजन हो गया था, पता नहीं क्या कन्फ्यूजन हुआ था। और चलो 5 से भी हम बहुत अच्छी प्रोग्रेस निकालेंगे, क्यों दाई, हम 5 भी 50 के बराबर है। तो ये देखिए ऊपर चोटी में सेब तोड़ना सबसे टफ होता है, ये देखिए चूंकि मदद से तोड़ना पड़ता है, इसमें अपना भी रिस्क होता है, अगर टांग फिसल गया तो सीधा नीचे,
और अगर सर किसी बड़े टहने में तो प्राण खत्म। ऐसे वे वेरी गुड यार। ये देखिए दोस्तों कितनी चोटी पे चढ़ा हुआ है भाई। ये दोस्तों ये दाने देखो इसकी पकड़ से बाहर है, लेकिन देखो कैसे तोड़ना पड़ रहा है। शाबाश दाई, वेरी गुड। ये देखिए देखिए देखिए, हाँ ऐसे तोड़ो भाई, शाबाश बेटा। ये देखिए दोस्तों कैसे चढ़ा हुआ है। देखिए ये ऊपर उसके साथ पहुंच नहीं रहा था तो खींचू से दूसरे बंदे ने नीचे टहना पकड़ा। ये देखिए ऐसे तोड़ने पड़ते हैं दोस्तों। ये देखिए अब बंदे ने नीचे आया, बंदा ऊपर से नीचे आया और ये खींचू से ये तोड़ा सेब। देखिए ऐसे तोड़ना पड़ता है गाइज। ये देखिए आराम से, कोई रिस्क नहीं लेना पड़ता है फ्रेंड्स। सबसे डिफिकल्ट काम होता है सेब तोड़ना गाइज। ये देखो ऐसे नहीं सेब आता आपके घर गोदाम में मार्केट में। दोस्तों तीन बंदे और आ रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से पांच बंदों से पूरा नहीं होगा तो ये लच्छीराम आ गया है, तो ये तीन बंदे और आ जाएंगे। रोटी के बाद आ जाना फिर, है ना, खाने के बाद। हाँ दोस्तों मैं जा रहा हूँ नीचे दुकान, वहाँ से इनके लिए सामान कुछ मंगाना है इन बादलों के लिए, तो देखते रहिए दोस्तों। और तीन बंदे और जुड़ गए हैं तो मेरा भला ही हो गया, क्योंकि पाँच लोगों से पूरा नहीं होना था। तोड़ना भी है, भरना भी है, वह ढुलान भी करना है, नीचे ले जाना भी है गोदाम में, तो ये बढ़िया हो गया यार दोस्तों। तो मैं यहाँ पे दुकान पहुँचा हूँ, कुछ स्टिकर वगैरह रह गए थे वो जो पेटी में लगाते हैं वो लेने हैं। देखिए ये है साडा जंगल, नागा नाली बोलते हैं दोस्तों ये जंगल। ये देखिए और ऊपर एक खतरोट है हमारा गांव। ये देखिए ये ऑसम प्लेस है ना दोस्तों। ये देखिए जंगल और ये देखिए दोस्तों वैली, देखिए व्यू। तो दोस्तों अब दुकान से मैं सामान लेता हूँ। ये दुकान है हमारी लोकल, एक ही दुकान है, फिर नीचे ब्रांच में है। और सनी मेहता क्या हाल है, ठीक ठाक? वेरी गुड, बड़ा सही जाता है। दोस्तों ये है हमारे बजंतरी, इनकी वजह से मजा आता है जब ये कभी फंक्शन होता है, बड़ा जोरदार बजाते हैं। थैंक यू दोस्तों। ये पेटी मैं ऊपर रख देता हूँ, जब मैं शिमला जाऊंगा तब गाड़ी में डालूंगा। देखना 7 बजे ऊपर। खाना खा के फारिग हो चुके हैं सभी लोग। ये देखिए और ये अपना हैंडसम हीरो, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये सुपर माल है के दोस्तों, माल है। ये देखिए ये है लच्छीराम, देखो गोरखे हैं, हाँ गोरखा बहादुर, गोरखा रेजिमेंट है तुम्हारी, गोरखा रेजिमेंट है हमारे हिंदुस्तान की, मालूम है तुम्हें, गोरखा रेजिमेंट है और सबसे खतरनाक। तो घर के पास पहुंच गए हैं, ये देखिए आराम से आराम से। गुड़िया इधर आ, कहाँ? ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये नीचे क्रेटे आ चुकी है और कुछ बगीचे में है, अब इसको ढोएंगे हम नीचे गोदाम में। ये देखिए क्यों, और ये देखिए ये पीछे रह गया, अब बड़े बड़े पेड़ रह गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे अच्छे दाने हैं यहाँ। टाइम टी टाइम, दाई चाय पी लो, ले चाय ले जा। और ये देखिए दोस्तों गाड़ी आ गई है क्रेटों के लिए, और ये देखिए ये है क्रेटे, अब ये ढोनी है। शाबाश शाबाश। हाँ ऊपर रख दे। ये देखिए दोस्तों ऊपर से तोड़ के लाते हैं क्रेटों में, फिर क्रेट नीचे ढोनी पड़ती है सड़क में, फिर यहाँ से जाएगी गोदाम में, गोदाम में फिर ग्रेड होगा और फिर पेटियां बनेगी, फिर पेटी को लोड करना गाड़ी में, फिर मंडी में पहुंचाना। बहुत ज्यादा प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम होता है। और नीचे मंडी में पता क्या बोलते हैं, एक दाना खराब निकल आया, एक काम एक दाना आ जाए तो खराब हो गया जी, देखो जी सारा माल खराब है जी आपका, ऐसे करते हैं यार। तो कितनी मेहनत लगती है, जो देख रहा कोई मेरी वीडियो तो देखो कितनी मेहनत लगती है। ये देखो बहुत मेहनत लगती है, ऊपर से लाते हैं और एक आधा दाना टच हो भी जाता है। अब देखो क्रेटों में सेब आ रहा है, अब ऐसे करके हम नीचे रखते हैं तो कोई ना कोई दाना तो टच कर देता है, और वो जब पेटी में भरा जाता है तो उसको हम ये बोलते हैं कि दानी लोग की ये डैमेज हो गया है। यार आप खुद करो, कितना मेहनत वाला काम है। अब ये देखिए ये दाई ऐसे रख रही है ना, तो कोई ना कोई दाना अगर इसमें आ गया गलती से, कोई जानबूझ के तो नहीं करता, तो वो दाना की वजह से क्या आप सारा माल खराब कर देंगे आप, ऐसा नहीं होता ना दोस्तों। तो सोचा करो यार, समझा करो, ग्रोवर बहुत शिद्दत से भरवाता है, मंडी तक पहुंचाता है, तो क्या क्या सोचता, कितने सपने होते हैं ग्रोवर के, और आप सडनली एक दो दाना खराब बोल के सारा उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देते हो। ग्रोवर का दिल धक धक कर रहा होता है मंडी में,
तो प्लीज यार ग्रोवर की मजबूरियों को भी समझा करो। वैसे शाम तक सेब तोड़ना फिर ढोना, हालत तो इनकी भी खराब हो जाती है यार बेचारे, ये भी इंसान है मशीन तो नहीं है, लेकिन क्या करे ग्रोवर भी सच्चा होता है, अपना माल यूं नहीं देख सकते, अब क्या करें, इनका भी ये कमाई है, मेहनत करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, यही तो इनकी कमाई है। देखिए इधर से भी दाई लोग आ रहे हैं और ये जा रहा है दादे के गोदाम में सेब, ये देखिए हर जगह दाई लोगों का काम है दोस्तों। ये ग्रेड हो रहा है, ये डेनी का सेब है, ये देखिए, ये देखिए कुछ एक पिटिया तैयार, सुबह ही तोड़ा है और सुबह ही इन्होंने बंदों ने अभी शाम तक भर के रेडी कर दिया है। ये देखिए मैं गोदाम में आ चुका हूँ और ये देखिए यहाँ पे सिक्स लेयर का भरान हो रहा है, ये देखिए यूजुअल पूजा होने वाली है, सोनू जी आ गए हैं और मेरे बंदे अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी तुड़ान हो रहा है, बस थोड़ा सा रह गया, दो एक पेड़ रह गए मेरे बड़े बड़े और सारा पेड़ तोड़ के फारिक। और सुनो भाई आ गए आप, ठीक है बढ़िया, आगे ड्यूटी पे आप, हर हर महादेव। ग्रेडिंग होगी और कल शाम नहीं तो परसों शाम तक मेरा शायद पैक हो जाएगा। मोल है सर, रेट चाहे जो मर्जी हो, सेब पैसा सब कुछ नहीं होता, धन दौलत से बड़ा है स्वास्थ्य। जस्ट हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स कि भाई स्वास्थ्य हो तो सब कुछ है, गरीबी तो चलो एक अलग चीज है, जी लेंगे क्यों, है ना, सबसे बड़ी बात है अपना शरीर स्वस्थ है, अपना परिवार स्वस्थ है, बीवी बच्चे स्वस्थ है, तो सबसे बड़ी दौलत वही है, क्यों सोनू भाई मानते हैं आप इस बात को 100%। कितनी क्रेडिट रही है? हाँ तो तुम दोनों ले लो इनको, जाने दो फिर तो अभी तो यही बोली मिलेगी, जल्दी होएगा ना यार ऊपर खेत नहीं है, नहीं है थोड़ा है 10-12 की रेट ले लेते ये दोनों, तो ले आ दो दो तीन इकट्ठे से फटाफट जाओ, एक घंटा तुम्हारे को मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा ना, उसमें क्रेटे भी ढोलो, समझ गए, एक घंटा उसमें आ जाएगा, क्रेटे भी ढोलो, उस दिन का भी मेरे को पूरा दिहाड़ी दूंगा, समझ गए, ले आओ ले आओ ले आओ, चलो गाड़ी फटाफट से ले आओ। ये देखिए दोस्तों एक गाड़ी और आ चुकी है गांव में और ये सेब लोड हो रहा है, और ये देखिए मेरा क्रेटा आ चुका है और कुछ क्रेटे मेरी ऊपर रही है, और ये ओवर टाइम के लिए बोल रहे थे, अब क्या करना, देना पड़ेगा ओवर टाइम, बिना ओवर टाइम के नहीं चलता दोस्तों यहाँ, अगर अपना काम निकालना तो एक आधा घंटे का एक्स्ट्रा पैसा देना ही पड़ता है। और उतने में जितने में पूजा हो रही थी उतने में मेरे को गाड़ी के पास जाना पड़ा वहाँ क्रेटो के पास, और सुनो भाई पूजा हो गई है, और जय हो हर हर महादेव, जय हो हर हर महादेव। पर क्या बंदे तुम यार, जाओ शाबाश, ऐसा ना करो, एक क्रेट पता कितनी महंगी है, जाओ जाओ बहादुर तू भी जा बेटा, जाओ शाबाश, जितना तुम एक चक्कर मारे पवित्रा तू जा यार, इनको पता ही लगेगा, इनको जा ऊपर देख लो एक बार, चक्कर मार लो एक आधा, क्या पता भूल जाते हैं, क्या पता कई बार गलती हो जाता है ना, हाँ देख लो कई बार गलती हो जाता है, ऐसा तो नहीं है ना, कई बार रह जाता है ऊपर ही क्रेट, फिर मारा गया ना मैं, अगर क्रेटे रही नहीं तूने बोला भी मेरे नाम कर देना क्रेटे, अगर रही कोई क्रेट, चलो ठीक है। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से सारा माल तोड़ के यहाँ पे ले दिया है, बहुत टफ काम हुआ, हेड्स ऑफ टू देम, जितने भी नेपाली भाई है सबको सलाम, दाई लोगों को बड़ी मेहनत की इन दाई लोगों ने, और धन्यवाद दाई लोगों, आपको धन्यवाद, ठीक है शाबाश शाबाश शाबाश, हाँ हाँ दाई लोग ये है सीनियर दाई, हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से 100 से ऊपर क्रेटा होगा, ये 100 से ऊपर, हाँ गिनती तो करना पड़ेगा अभी 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 लोडिंग करते हो गिनती करेंगे ना पूरा, हाँ दोस्तों अभी भी लोड हो रही है दूसरी की गाड़ी, लेकिन अपनी गाड़ी पता नहीं कहाँ है, वेट कर रहे हैं भाई का आ रहा है, गाड़ी में हो जाती है देरियां, हो जाती है सीजन टाइम है दोस्तों, बड़ा हैक्टिक होता है। अब देखिए क्रेटों में मेरा सारा आ चुका है, अब नीचे जाना है गोदाम में, फिर वहाँ ग्रेडिंग होगी, फिर वहाँ भी अनलोडिंग लोडिंग, अभी नीचे गाड़ी में ले जाना है, पहले तो डालने की प्रॉब्लम फिर उतारने की प्रॉब्लम, और ये देखिए दोस्तों ये अभी तक वेट कर रहे हैं बेचारे दोनों भाई, ये देखिए दोस्तों अभी भी लोड हो रहा है, सकते दोस्तों हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब इनके हाथ में है, यही करते हैं सब, अगर कुछ ज्यादा इनको बोल दिया तो नाराज हो जाएंगे, फिर दोबारा कभी हटके नहीं आएंगे, इसलिए इनके साथ भी प्यार से डील करना पड़ता है, ये भी इंसान है बेचारे, ये तो मशीन तो है नहीं कि इनको भी ये जैसे JVC की मशीन है फटाफट ले आ दिया, ये भी बेचारे इंसान है, इनके अंदर भी इमोशंस है, पर समझते नहीं ना कई बंदे, कई बंदे ऐसे धड़ाधड़ करते हैं फटाफट, जिन बस अपनी दिहाड़ी से मतलब, बाकी चाहे भाड़ में, ऐसे भी होते कई बंदे, अगर आ गया है ये देखिए बड़ी उस्ताद तेज है भाई, हाँ लोड हो रही है, बस थोड़ी रहेगी 2-4 पेटी रहेगी, ये देखिए दोस्तों फाइनली हो गई है,
अब ये कल का चक्कर सुबह लगाएंगे या जब भी टाइम मिलेगा, ये थोड़ा सा रह गया है, इसके ऊपर हम तिरपाल लगा देंगे। अब अभी एक चक्कर में इतना ही जा रहा है क्योंकि रात हो गई है, थक भी गए हैं, बोले हम बाबूजी सुबह ले जाएंगे। अब दोस्तों देखा आपने कितनी मेहनत लगती है सेब को गोदाम में पहुंचाने के लिए और मंडियों तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, जिनको अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और फेसबुक पे फॉलो कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।